अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, एक टोटल की रूटीन लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ये रूटीन कुछ इस तरह है कि ये देखें, फर्स्ट टाइम ये टोटल लगा है 0 का 2009 में, ठीक है, 578 2009 में ये ओपन हुआ 578। तो इससे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 साल के बाद यहाँ पे फिर टोटल 0 का आया, रिज़ल्ट आया 866। फिर यहाँ से काउंटिंग करेंगे दोस्तों 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे दोस्तों फिर टोटल लगा 0 का और रिज़ल्ट आया 767, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद जब दोस्तों ये 0 का टोटल लगा तो नीचे फिर 0 का टोटल रिपीट हो गया। फिर सेकंड टाइम जब ये 0 का टोटल लगा तो फिर 0 का ही टोटल रिपीट हो गया। अब जब थर्ड टाइम ये 0 का टोटल लगा तो ये 0 का टोटल फिर रिपीट हो सकता है। ये तो था दोस्तों, ये सीधा सीधा एक रूटीन थी, सिंपल था। तो उसके बाद एक और रूटीन शेयर करता हूँ जो कि बहुत ही एक्यूरेट करेक्ट है दोस्तों। ये 2011 में रिज़ल्ट आया 988, फिर 470 846 406, उसी तरह इन 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये अभी 19, यहाँ पे इसके बराबर में हमारा रिज़ल्ट आना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखें क्या चल रहा है। जब ये अच्छा, ये सेट जो लिखे हुए मैंने, ये इसी रूटीन से यहाँ पे सेट आना है हमारा, इसी लाइन में जो है पीछे को आ जाए। तो 2011 में ये रिज़ल्ट आया 988। ये सेम सेट मैंने नीचे लिखे हुए इसका, क्योंकि वो एक रूटीन जो है वो कई दोस्तों को समझ नहीं आती, तो मैंने कहा थोड़ा इजी हो जाएगा उनको समझाने में, क्योंकि बहुत सारे कुछ दोस्त नए होते हैं, कुछ जो है इनको ज़्यादा चार्ट के बारे में पता नहीं होता, तो सब के लिए इक्वल हो जाए। तो देखें दोस्तों, यहाँ पे जब ये 988 आया, इसका टोटल था 5 और इसका ये टोटल था 6 का, इसके क्रॉस पे नीचे, और फिर ये टोटल लगा 8 का। तो ये 5 प्लस 6 प्लस 8, ये तीनों को प्लस करें दोस्तों तो क्या बना, ये बना 9, यानी तीन टोटल 5 6 और 8 का, जब तीनों को प्लस किया तो बना 9। फिर यही टोटल, अच्छा फिर इस क्रॉस में आएंगे, 8 प्लस 8 प्लस 8 इज़ इक्वल टू 9 का होम 4, ठीक है। जब ये इस क्रॉस में नीचे को आया तो बनाया 9, फिर ये ऊपर को गया तो बना 4। अच्छा, उसके बाद दोस्तों यही टोटल 8 का, फिर 8 का, फिर दोबारा यही 8 का लगा इस तरह, तो अब क्या बना, यहाँ पे बना 4। पहले क्या बना था, ये 9 बना था, तो इसका क्रॉस में जाके ये 9 का होम 4 बना। अब जब फर्स्ट 4 बन गए तो इस रूटीन में जब 9 बने तो उसके लिए टोटल चाहिए 0 का, ठीक है दोस्तों। यानी ये 8 1 और 0, तीनों का क्या बनेगा 9। फिर दोस्तों अक्सर मैंने देखा है कि इस तरह की रूटीनें होती हैं कि जो सेट पड़ा होता है जहाँ से वो टोटल रहता है, जैसे यहाँ पे ये देखें टोटल पड़ा है 0 3 8, ये इस रूटीन से हट के ऐसे ही मैंने नज़र पड़ रही, तो मैंने कहा ये भी दिखा दूँ। यहाँ पे सेट आया 0 3 8, तो यहाँ पे देखें ये 8 यहाँ पे आ गया एज ए टोटल, ये मिडिल का 3 इसके ऊपर ही आ गया, अभी लास्ट बैलेंस क्या है 0, तो ये 8 3 0 भी हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी रूटीनें एग्ज़ाम्पल अगर आ, तो बहुत सारी रूटीनें मेरे पास एग्ज़ाम्पल भी हैं तो मैं दिखा भी सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। या ऐसा करते हैं कि मैं एक रूटीन आपको दिखाई देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक टोटल लगा था, अभी यहाँ पे एक टोटल का रूटीन लगी थी, वो इसी तरह लगी थी कि वो वहाँ पे जी दोस्तों ये रूटीन, ये इस तरह की बहुत सारी रूटीनें होती हैं, ये सेट से ही पूरी वो चीज़ कंप्लीट कर जाता है। जैसे कि देखें यहाँ पे रिज़ल्ट आया था ये 2015 में 704, इस जब ये लास्ट टाइम रिज़ल्ट आया 767, तो इसी की लाइन में देखें यहाँ पीछे आके 5 साल पहले 704 लगा था, तो अभी ये देखें जब ये 704 लगा तो इसके एक ड्रा के बाद ये इसके क्रॉस में, यानी इसके बाद रिज़ल्ट आया 720, इसके क्रॉस में टोटल लगा 7 का, तो 7 कहाँ से है, ये एच में 7 था तो ये टोटल लग गया। इसके बाद मिडिल में डिजिट था 0, तो ये 0 यहाँ पे आ गया, तो अभी बैलेंस क्या था 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। उसी तरह दोस्तों अभी यहाँ पे देखें
ये सेट लगा है 038, तो ये 8 का टोटल यहाँ पे आ गया, ये 3 यहाँ पे आ गया। अभी ये ज़ीरो बैलेंस है तो ये 0 आ सकता है। फिर ये भी रूटीन दिखा दी कि 6 साल के बाद वो 3 बार उसने ये 0, 0 और 0 का टोटल लिखाया, नीचे फिर 0 का टोटल, ये भी 0 का, और अब इस यहाँ पे भी 0 का आ सकता है। उसके बाद दोस्तों ये भी तीसरी रूटीन में आपको इस यहाँ से दिखा देता हूँ कि जो चीज़ दोस्तों तो 4 जगहों से बन रहती है तो उसको चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो 2 टोटल तो मैं आपको स्ट्रॉन्ग दे चुका हूँ, 6 और 7। ये तीसरी रूटीन है, ये भी अच्छा टोटल बन रहा है दोस्तों। देखें दोस्तों, ये मैंने आपको पहले असल में ये जो रूटीन दिखा रहा था इसको पहले कंप्लीट कर लें। ये 3 टोटल का बना 9, तो इसी का होम 3 टोटल का बना 4, फिर 4 रिपीट हो गया, तो अभी 4 का होम 9 बनाने के लिए यहाँ पे 0 का टोटल आए दोस्तों, तो ये चीज़ कंप्लीट होती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या यहीं से चल रही है, लेकिन ये दूसरा स्टेप इसलिए बनाया ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाएगी। तो देखें दोस्तों, जब ये फर्स्ट टाइम उसने ये इस तरह क्रॉस में 9 किया, ये क्रॉस में, तो ये देखना, ये जो ये 9 किया ना, तो इसने 9 इस तरह भी किया है। देखिए कैसे, ये 5, ये 6 और ये 8, यानी यहाँ से ये 6 इस तरह मिला देते हैं, लेकिन मैंने लिखा इसलिए कि ताकि समझाने, जब ये इसने इस क्रॉस में 9 किया तो इस तरह भी ये सेम वही सेट है, वही चीज़ है, लेकिन मैंने नीचे लिखी है ताकि आसानी से समझ जाए सब दोस्त। ये 9 हुआ इस तरह, तो फिर ये इस तरह भी 9 हुआ, फिर जब ये 4 इस तरह हुआ दोस्तों, तो ये 4 इस तरह भी 4 ही हुआ, ठीक है। जब ये 9 ऐसे हुआ, ये 3 टोटल का 5, 6, 8 का 9 बना, तो ये 5, 6, 8 का ही 9 बना। फिर जब ये 8, 8, 8 का 4 बना, तो ये फिर 8, 8 और ये 8 का 4 बना। फिर जब दोस्तों इसी तरह ये 4 दोबारा यहाँ पे रिपीट हुआ, 8, 8, 8 का 4 बना, जब ये नीचे 8 को 4 बना, तो इस तरह फिर 8, 4 बना। तो अब अगर यही रूटीन हम फॉलो करें तो यहाँ पे टोटल है 1 का। अब यहाँ पे जब 8, 1, 0 का 9 बने, तो ये 8, 1, यानी कि ये 8, ये 1 और यहाँ पे 0 का टोटल आके ये रूटीन कंप्लीट होती है। ये नहीं देख लें पहले, ये सेम सेट हैं, ये 9 तो ये 4, ये 4 तो अब 9 हो जाए, फिर यहाँ पे सेम हुआ, ये 9, ये 4, ये 4, तो फिर ये 9, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये दोनों रूट्स, तीनों रूट्स आपको पसंद आए होंगे, बहुत ही करेक्ट है। तो अभी तक के जो बेस्ट टोटल हैं दोस्तों हमारे 6, 7 और 0, ये 3 टोटल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो मैं इसलिए अभी साथ में अपडेट कर देता हूँ ताकि दोस्त कई दोस्तों से भूल जाते हैं। अगर कुछ दोस्तों ने अगर 6 और 7 के रूट्स के बारे में देखना है तो मेरी यूट्यूब की चैनल पर, इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंने ये इनके 6 के भी 2, 3, 4 रूट शेयर किए हुए हैं, मेरा 4, 5 रूट हैं। 7 के भी 2, 3 रूट्स से टोटल 7 का आ रहा है, और 0 के भी अभी मैंने 3 रूट्स दिखा दिए हैं। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त, ये रूट्स स्पेशली जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो 038 वाला भी मैंने आपको बहुत दिखा दिया कि उस तरह भी चीज़ें वो होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में, बेस्ट ऑफ लक। जी दोस्तों, एक और रूटीन भी है इसकी जो कि मैं शेयर करना भूल गया था, तो अभी मैं इसके साथ ही अटैच कर देता हूँ। देखें दोस्तों, ये अक्सर चीज़ें रिपीट करता है, तो यहाँ पे एक जो चीज़ चल रही है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो कुछ इस तरह है कि देखें, यहाँ पे ये लास्ट ईयर में आया था रिज़ल्ट, सेकंड लास्ट रिज़ल्ट था 5, 6, 4, टोटल लगा 5, इसके क्रॉस में टोटल लगा 9, और इसके फिर ये क्रॉस में ऐसे इनकी 5, 9, 6 का बना 0, इन 3 टोटल को प्लस करके बना 0। तो फिर उसके बाद ये 6, 6 और ये 4 के साथ ये बना 6, पहले बना 0 3 टोटल का, फिर करो इस तरह 0 बना, सॉरी पहले 0 बना, फिर 6 बना, फिर ये 0 रिपीट हो गया 4, 0, 6 के साथ। तो अब इसको जब दोबारा ये अभी क्या होगा, देखें 0, 6 फिर 0 हुआ, तो अभी 6 करने के लिए फिर यहाँ पे टोटल 0, 6 का लगा है, ये 0 का है। अब जब यहाँ पे 0 आएगा तो ये चीज़ रिपीट कंप्लीट हो जाएगी। एक बार फिर देख लें,
596 के साथ बना 0, फिर 664 के साथ बना 6, पहले 0 फिर 6, फिर दोबारा उसने 406 के साथ 0 रिपीट कर दिया, तो अब उसकी बारी है कि 6 को रिपीट करे। अक्सर ये रूटीन वो पास कर जाता है, तो ये 6 0, और जब ये 0 का ही टोटल यहाँ पे आया तो ये, तो अब 4 रूट से आपको मैंने 0 का टोटल दिखा दिया दोस्तों। तो जो टोटल पॉसिबल वही होता है जिसके बहुत सारे रूट होते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये रूटीन आपको पसंद आई होगी। तो अब तक के बेस्ट टोटल हैं 670।